हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। एमडी यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि उनका जो पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या उनके रहने वाले हैं। तो ये नोटिस है आप लोगों का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। तो ऑल सेमेस्टर एनुअल एग्जाम शेड्यूल्स हैं आपके, और स्टूडेंट शैल हैव टू अटेम्प कंपल्सरी क्वेश्चन एंड शैल बी अलाउ टू अटेम्प एनी फोर ऑफ आउट ऑफ रिमेन क्वेश्चन। मतलब आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी रहने वाला है, उसके बाद जो आप क्वेश्चन है यानी आपके जो 8 क्वेश्चन बचते हैं उनमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ बोला है इन द शेड्यूल ऑफ एग्जाम विदाउट एनी कंपलसरी क्वेश्चन द स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अटेम्प एनी 5 क्वेश्चन। ऐसा पेपर जिसके अंदर पहला क्वेश्चन कंपलसरी ना हो, मीन्स लिखा है ऊपर गाइडलाइन में कि फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट कंपलसरी, देन दे अटेम्प एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ देयर एग्जाम। आगे बोल रहा है द क्वेश्चन पेपर विल अनइक्वल, इसमें आगे बोला है वो पेपर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर मार्क्स का क्वेश्चंस के अंदर, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, बी फार्मेसी हो गया, बी टेक हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कोई यूनिट नहीं है, कुछ नहीं है उनके अंदर। तो उनके लिए जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अलाउ किया गया है अटेम्प करना मैनी पार्ट ऑफ देयर चूज सब्जेक्ट टू द टोटल नॉट एक्सेडिंग द मैक्सिमम मार्क्स। मतलब उन्होंने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैक्सिमम मार्क्स वाले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मीन्स ये है कि आप 80-82 तक अपना क्वेश्चन बना सकते हैं और कर सकते हैं, आपको 80 नंबर तक का ही पेपर अटेम्प्ट माना जाएगा उसको। और दूसरी चीज ऐसा नहीं है कि आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो। हिंदी का पेपर मैं आपको बताती हूँ या इंग्लिश का पेपर आपको बताती हूँ कैसे आप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ आपका पार्ट है उसमें बोला गया है जो फॉरेन, मतलब बाहर जो रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, उनका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, और उनको अपना मतलब प्रूफ देना पड़ेगा कि वो अभी फॉरेन में हैं, और सब कुछ सबमिट करवाना पड़ेगा, अपना पासपोर्ट वगैरह, उस सभी की फोटोकॉपी वगैरह अपने प्रिंसिपल को या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या डायरेक्टर, इन सभी को। उसके बाद जो एग्जाम सेंटर है वो प्रूफ लेगा, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी और एडमिट कार्ड वो सब आपको दिया जाएगा। 3 दिन पहले आपको सब कुछ अपना भेज देना है अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास। और जिन भी बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपीयर किया जाएगा उन बच्चों के लिए एक अलग से, जैसे आपका पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम लिया गया था उसी तरीके से गूगल मीट के ऊपर आपका एग्जाम लिया जाएगा। 24 जून को ये अपडेट आ गई थी और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि कैसे होंगे, कैसे करने हैं, कैसे करने हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपका पेपर करना कैसे है, उनके लिए भी जिनका पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन होगा, उनके लिए जो कंपलसरी क्वेश्चन नहीं होगा, और उनके लिए भी जो लैंग्वेज पेपर है। जैसे आपको ये पेपर दिख रहा है, इसके अंदर आपको जस्ट दिख रहा है अटेम्प 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। तो ये जो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन तो है भाई कंपलसरी, मतलब ये करना ही कर रहा है। जिन भी पेपर में यूनिट होगी और ये फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा वो आपको कंपलसरी करना होगा। उसके बाद आप जैसे ये यूनिट है, यूनिट वाइज कोई भी कर सकते हो या बिना यूनिट वाइज कर सकते हो, मतलब आप किस पहली यूनिट में से दोनों कर सकते हो, आप दूसरी में से दोनों कर सकते हो, और फिर आपकी सेकंड और थर्ड यूनिट आप स्किप कर सकते हो, या आप सभी तीन जो चारों यूनिट हैं चारों में से एक एक कर सकते हो, आपकी खुद की मर्जी है। कैसे भी पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो नीचे वाला, अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है तो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, टोटल आपके 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन 9 में से 5 करने हैं। अगर पहला क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है तो कोई भी 5 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। ये आपको हिंदी का पेपर दिख रहा है, हिंदी के पेपर में जैसे यहाँ लिखा है 2 गद करने, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ 4 गद हैं, चारों के चारों गद कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो आप 2 कर सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 2 दिए हैं निबंध, आप दोनों निबंध कर सकते हो, एक निबंध कर सकते हो, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करने हैं, आप चाहो तो 5 के 5 कर सकते हो, आप चाहो तो 4 के 4 कर सकते हो, कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन में भी आप चाहो तो 1 कर सकते हो, वरना आप दोनों कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया है 2 करने के लिए, आप चाहो तो कि 4 के 4 कर सकते हो। छठे क्वेश्चन में भी आपको 2 करने को बोला है,
है, आप चार के चार कर सकते हो, एक कर सकते हो, दो कर सकते हो, तीन कर सकते हो, चार कर सकते हो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में सभी वस्तु प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो ये आपको सभी करने होंगे और चाहो तो आप इसके अंदर स्किप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।